Hello students, welcome to today's session. I'm Pragya Jain, your computer teacher. I hope you all are safe and studying well at your home. So students, as you know that we have already completed our first to fifth chapter. Yes, so now in this video we will start our next chapter, chapter number 6, that is QBasic program. Yes, so QBasic is a programming language which has its specific keywords and syntax to communicate with a computer. जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि QBasic क्या एक programming language है जिसके कुछ keywords होते हैं और syntax होते हैं जिन्हें हम communicate करने के लिए use करते हैं, computer से communicate करने के लिए हम उसका use करते हैं. Yes, so ये keywords आप पहले class 6th में पढ़ चुके हैं. Then also we will revise it and then we'll go ahead. You all know that these keywords and syntax are used in giving instruction to the computer while programming. कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो जो कीवर्ड्स और सिंटैक्स होते हैं जो कि आप पहले क्लास 6th में पढ़ चुके हैं वो उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं. यस, सो देन टू वी विल रिवाइज सम इम्पॉर्टेंट QBasic स्टेटमेंट्स यूजिंग विच वी विल बी राइटिंग प्रोग्राम्स. ओके, सो एज यू कैन सी एट योर स्क्रीन देयर आर सम इम्पॉर्टेंट QBasic स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट इज CLS. CLS का सिंटैक्स क्या होता है? CLS. सो व्हाई वी यूज CLS? बिकॉज इट क्लियर्स द स्क्रीन. ये स्क्रीन को क्लियर कर देता है. नाउ नेक्स्ट इज लेट. लेट का सिंटैक्स क्या है? लेट वेरिएबल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. अब हम लेट क्यों यूज़ करते हैं? टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल. कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लेट यूज़ करते हैं. यस, नाउ नेक्स्ट इज रैम. रैम का सिंटैक्स क्या है? रैम एंड देन रिमार्क. सो इन रिमार्क वी विल हैव टू राइट रिमार्क. सो द टेक्स्ट आफ्टर रैम इज टेकन एज कमेंट. कि रैम के बाद जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो कमेंट के रूप में लिया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज एंड. एंड का सिंटैक्स क्या होता है? एंड. और इसके थ्रू क्या होता है? कि इट एंड्स द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम को एंड कर देता है. यस, फिर नेक्स्ट है इनपुट. इनपुट का सिंटैक्स है इनपुट एंड देन वेरिएबल. टू एक्सेप्ट अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल. इनपुट के थ्रू क्या करता है? कि वैल्यू एक्सेप्ट करता है वेरिएबल के लिए. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट QBasic स्टेटमेंट. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं. यस, सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लेट ए इज इक्वल टू 6. अब आपको पता है कि हम लेट क्यों यूज़ करते हैं? कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. तब हमें क्या करना है कि ए को वैल्यू असाइन करनी है क्या? 6. सो वी विल असाइन द वैल्यू 6 टू द वेरिएबल ए. तो अब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 6. यस, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इनपुट. अब इनपुट क्या करता है? कि वैल्यू को एक्सेप्ट करता है वेरिएबल के लिए. यस, सो विल प्रमोट द यूज़र टू एंटर अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल ए. अब इसमें क्या होगा कि हम ए की वैल्यू पहले से नहीं लिखेंगे. हम क्या करेंगे? एंटर अ नेम या एंटर अ नंबर कुछ भी लिखेंगे. तो वो क्या करेगा कि वैल्यू हमसे पूछेगा तब हम उसमें देंगे. जैसा कि आप प्रोग्राम देख सकते हैं CLS इनपुट एंटर अ नेम. तब हम क्या करेंगे? वो हमसे पूछेगा एंटर अ नेम क्वेश्चन मार्क. तो हम नेम डालेंगे. फिर इनपुट एज. तो वो हमसे एज पूछेगा, हम एज डालेंगे. इसी तरीके से एंटर अ मार्क्स. तो वो मार्क्स पूछेगा, हम मार्क्स डालेंगे. तो इस तरीके से लेट और इनपुट कमांड यूज़ की जाती है. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रिंट कमांड विद डिफरेंट सिंटैक्स. अब हम प्रिंट कमांड को डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्स के साथ समझेंगे. यस, तो पहले आप टेबल को समझ लीजिए, फिर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे. सो फर्स्ट है प्रिंट कमांड विद सेमी कॉलन. अब अगर हम प्रिंट कमांड को सेमी कॉलन के साथ यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि इट विल प्रिंट वैल्यूज़ कंटिन्यूसली. कि कंटिन्यूसली वैल्यूज़ को प्रिंट कराएगा. यस, नेक्स्ट है प्रिंट कमांड विद कॉमा. अगर हम प्रिंट कमांड को कॉमा के साथ यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि इट विल प्रिंट आइटम्स जोन वाइज. कि जोन वाइज आइटम्स को प्रिंट कराएगा. नेक्स्ट है प्रिंट कमांड विद टैब. अगर हम टैब के साथ प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि इट विल प्रिंट द डेटा आइटम्स एट स्पेसिफाइड कॉलम नंबर. कि
जो भी हम कॉलम नंबर उसे प्रोवाइड कराएंगे वो उस कॉलम नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, डेटा को, आइटम्स को प्रिंट कराएगा। तो इस तरीके से हम प्रिंट कमांड का यूज़ 3 डिफरेंट सिंटैक्स के थ्रू कर सकते हैं। यस, अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो फर्स्ट है प्रिंट कमांड विथ सेमी कॉलन। अगर हम प्रिंट कमांड को सेमी कॉलन के साथ यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर मुझे बहुत सारे नाम प्रिंट करवाना है, यस, तो मैं पहले प्रिंट लिखूँगी एंड देन सपोज़ मुझे लिखना है निशु, तो मैंने लिखा निशु एंड देन सेमी कॉलन, और ये सब क्या होंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में होंगे, ठीक है। निशु, फिर राजेश, तो ये मैंने राजेश लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, देन सेमी कॉलन, फिर हमने कोई नाम लिख दिया इससे से नीलू एंड देन सेमी कॉलन। तो इसका आउटपुट क्या होगा कि अभी मैंने बताया था कि अगर हम प्रिंट कमांड को सेमी कॉलन के साथ यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, वैल्यूज़ को कंटिन्यूसली प्रिंट कराता है। तो ये इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इस तरीके से निशु, राजेश, नीलू, इस तरीके से कोई गैप नहीं होगा, वो इस तरीके से उसका आउटपुट हमें देगा। यस, फिर नेक्स्ट था प्रिंट कमांड विथ कॉमा। अगर हम प्रिंट कमांड को कॉमा के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी यही चीज़ मैं कॉमा के साथ लिखती हूँ, प्रिंट निशु देन कॉमा राजेश एंड देन कॉमा फिर नीलू और कॉमा, तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा कि ये जोन वाइज करेगा। तो फर्स्ट निशु, फिर थोड़े जोन मतलब थोड़ी गैप के बाद फिर क्या आ जाएगा, राजेश एंड देन नीलू, तो इस तरीके से ये इसका आउटपुट देगा। यस, फिर नेक्स्ट क्या था कि अगर हम टैब के साथ उसका यूज़ करते हैं, अगर टैब के साथ यूज़ करेंगे तो उसका आउटपुट किस तरीके से आएगा। टैब के साथ मतलब क्या कि जैसे प्रिंट एंड देन हम उसको क्या लिखेंगे, टैब 5, मतलब मुझे 5 नंबर पर क्या चाहिए, निशु का नाम चाहिए, तो मैंने ये लिख दिया। यस, एंड देन फिर टैब 10 पर मुझे चाहिए किसका नाम, राजेश का नाम, तो इस तरीके से हम टैब का यूज़ करेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो वो टैब 5 पर वो क्या देगा, निशु का नाम देगा एंड देन 10 पर राजेश का नाम देगा, तो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। सो इस तरीके से हम प्रिंट कमांड का यूज़ डिफरेंट सिंटैक्स के साथ कर सकते हैं। यस, सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो इट्स इनफ फॉर द टुडे, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।